केमिस्ट्री के अंडर हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 15 जो कि था हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये हमारा केमिस्ट्री का एंड इस यूनिट का लास्ट पार्ट है। इसी के साथ हमारी पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट होती है और आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं। एंड वन मोर थिंग, आप सब चाहें तो आप केमिस्ट्री की PDF भी परचेज कर सकते हैं। परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं विद टुडेज टॉपिक जो कि है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। देखिए, बात करें सोप्स डिटर्जेंट्स, हम समझते हैं अच्छे से क्या होता है। कपड़े गंदे हो जाते हैं, साफ करने के लिए हम सोप्स एंड डिटर्जेंट का यूज करते हैं। इसके अलावा आपका फ्लोर है, उसे साफ करना है, उस केस में हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं, है ना। अब देखिए, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो जब पानी में घुल जाते हैं तो उनमें कुछ ऐसी एबिलिटी आ जाती है कि वो सर्फेसिस से गंदगी, डर्ट को रिमूव करते हैं। जैसे ह्यूमन स्किन है, हम अपनी स्किन पे भी सोप लगाते हैं, टेक्सटाइल, कपड़े हैं, और भी कुछ सॉलिड चीजें हैं, घर पे टेबल होगा, स्टडी टेबल होगा, तो हम कपड़े पे थोड़ा सा कॉलिन लगा देते हैं या कोई और डिटर्जेंट लगा के उसे साफ कर लेते हैं, है ना। वुडन टेबल होता है, शीशे का टेबल होता है, फ्लोर फर्श होता है घर का, कपड़े होते हैं, खुद जब हम बात लेते हैं तो उस टाइम पे हम सोप का यूज करते हैं। तो यहां से हमें क्या समझ आया कि ये दोनों ही क्लीनिंग एजेंट्स हैं, सफाई का काम करते हैं, डर्ट को रिमूव करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो हमने बिल्कुल बेसिक सा समझा। अब वन बाय वन हम दोनों के बारे में जानेंगे कि सोप्स क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, लास्ट में छोटा सा इनका एक डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द सोप्स। सोप क्या होती है? सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। सोप होता है सोडियम सॉल्ट हायर फैटी एसिड। जैसे अब देखो ना, इसमें बहुत आपको समझने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या समझ आता है आपको हायर फैटी एसिड से? कुछ समझ नहीं आता। पर ये कि जो फैटी एसिड्स होते हैं उनमें जो सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम सॉल्ट्स, उनसे ये बना होता है, इतना सा समझ लो। जैसे कि आपका पेमेटिक एसिड है, उससे मिलकर सोप बना होता है। स्टेरिक एसिड है, इससे मिलकर सोप बना होता है। ओलाइक एसिड है, इससे मिलकर सोप बना होता है। फॉर्मूलाज भी मैंने साथ में लिखे हुए हैं। अब ऐसा सोप जिसमें पेमेटिक एसिड हो, है ना, जो इस एसिड से मिलकर बना हो, इस तरह के सोप को हम कहेंगे सोडियम पॉमिटेट। ऐसा सोप जो ओलाइक एसिड से मिलकर बना हो उसे हम कहेंगे सोडियम ओलिकेट। स्टेरिक एसिड हो जिस सोप में, उसे हम कहेंगे सोडियम स्टेरिएट। तो ये इससे क्या समझ आ रहा है कि सोप जो है वो अलग अलग एसिड से, जो हायर फैटी एसिड होते हैं उनके सॉल्ट से मिलकर बना होता है। अब जिस एसिड से जो सोप बना होगा, उस सोप का नाम भी उसी एसिड पे होगा, है ना। तो यहां से हमें क्या समझ आया कि वाटर सॉल्यूबल कंपाउंड है, पानी में घुलने वाली एक चीज है सोप, जिसको हम कैसे बनाते हैं। एक प्रोसेस होता है सेपोनिफिकेशन, उसके थ्रू बनता है सोप। इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअल में जो बेस होता है वो फैट्स एंड ऑयल्स के साथ मिक्स किया जाता है। मतलब यहां पे रिएक्शन होगा सेपोनिफिकेशन के अंदर, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड माने बेस, है ना, जिसपे बेस जो है वो आपका वेजिटेबल या एनिमल ऑयल या फिर उनके फैट से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सोप्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम? फैट्स एंड ऑयल्स को बेस के साथ रिएक्ट करके, वही तो यहाँ पे हुआ। फैट्स एंड ऑयल, वेजिटेबल फैट, वेजिटेबल ऑयल्स, एनिमल फैट, एनिमल ऑयल, इसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है उसके साथ रिएक्ट कर पाया। मेन पर्पज क्या है सोप का? तो वो तो हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया, क्लिनजिंग, सफाई करने का काम। लेदर प्रोड्यूस करता है, मतलब झाग इससे बनती है और इसमें खुशबू भी होती है। फ्रेग्रेंस होना भी जरूरी है, क्योंकि देखिए हम जैसे हम नहाते हैं तो हम उसके लिए ऐसा सोप लाते हैं जिसमें खुशबू भी अच्छी हो, है ना, हमारा बॉडी ऑर्डर उससे चेंज हो जाता है, तो उसके लिए भी जरूरी है। अब देखो भाई, सोप्स के लिए इतना ही था, है ना। अब हम देखते हैं कि डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। डिटर्जेंट की अगर हम बात करें, ये भी क्लीनिंग एजेंट होते हैं, कपड़े होते हैं हमारे, उसे साफ करने का काम करते हैं। अब देखो, जब हम ना क्लीनिंग के लिए कपड़े साफ करने हैं, गारमेंट साफ करने हैं, हम जब सोप का यूज करते हैं, तो अगर हम हार्ड वाटर यूज कर रहे हैं, हार्ड वाटर ले रहे हैं, तो सोप में ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है डर्ट को रिमूव करने के लिए, है ना। तो ये जो डिफिकल्टी है, इसे रिमूव करने के लिए डिटर्जेंट आपका सामने आया है। डिटर्जेंट हार्ड वाटर के साथ भी अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छे से साफ कर सकता है कपड़ों को, कन्वीनियंटली, और सस्ता भी होता है इन कंपैरिजन टू सोप। ठीक है, बेसिक सा हम बिल्कुल देख रहे हैं। डेप्थ में इनका क्लिंजिंग ऑर्डर भी आता है, क्लिंजिंग पूरी इनकी कैपेबिलिटी आती है, इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना एग्जाम में आता है देखिए उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। राइट, इसी के साथ ये हमारी लास्ट वीडियो भी है। आप चाहें तो अब PDF भी परचेज कर सकते हैं, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट अगर इनकेस आपने स्किप करके वीडियो देखी है तो फिर से रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, आप सब चाहें तो केमिस्ट्री के साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, ये सारी PDFs भी परचेज कर सकते हैं। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।
आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड या बोलो अपने लास्ट पेज की ओर। नेक्स्ट आता है दैट ये जो डिटर्जेंट है सबसे पहले इन्वेंट किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी में। ये ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे हम हायर फैटी एसिड्स जो हैं उनसे प्रिपेयर करते हैं, और ये जो हायर फैटी एसिड्स हैं वेजिटेटिव ऑयल से लिए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जिसके थ्रू डर्टी क्लोथ्स एंड गारमेंट्स को वॉश करना ईजी होता है। यहां से एक चीज समझ आ रही है कि जैसे सोप बना रहे हैं वैसे डिटर्जेंट भी बन रहा है ना। इसमें हायर फैटी एसिड्स हम लेते हैं वेजिटेटिव ऑयल्स की। अब डिटर्जेंट को भी फर्दर आप क्लासिफाई कर सकते हो, तीन मेन इनकी क्लासेस होती है, एनायनिक है, न्यूट्रल है और कैटायनिक है, एनायन वाली कैटायन वाली ऐसे याद रख लो। तो ये जो एनायनिक है ये सबसे कॉमन टाइप का डिटर्जेंट है जो यूज होता है डोमेस्टिक लॉन्ड्री में। घर पे कपड़े वगैरह साफ करते हैं, फ्लोर साफ करते हैं, तो वहां पे जो डिटर्जेंट यूज करता है दैट इज एनायनिक इन नेचर, ठीक है। आगे देखिए डिफरेंस दोनों के बीच में, यहां से भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। जो चीजें हमने छोड़ दी हैं वो अब यहां से क्लियर हो जाएंगी। डिफरेंस आ रहा है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बीच में, दोनों चीजें सेम ही है ना, लेकिन इसमें है कि डिटर्जेंट थोड़ा ज्यादा चीप है, थोड़े अच्छे से सफाई करता है, हार्ड वाटर के साथ भी डर्ट को रिमूव कर सकता है, सोप हार्ड वाटर के साथ नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो सोप क्या है, पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट होता है कार्बोक्साइलिक एसिड का, जो एलिफेटिक चेन के थ्रू अटैच होता है। लेकिन इसमें क्या है, ये भी पोटेशियम एंड सोडियम सॉल्ट है लॉन्ग एल्काइल चेन का, जो कि सल्फोनेट ग्रुप के साथ एंड करते हैं। तो ये ग्रुप्स, ये चेन्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखिए इन डिटेल पढ़ेंगे बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन ये इतना काफी है, एग्जाम में इसे ज्यादा नहीं आते। सोप्स आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है कि जैसे वैसे सड़े रहेंगे, गलेंगे, तो ये जमीन में नेचर में मिल जाएंगे, है ना, लेकिन नॉट इजिली बायोडिग्रेडेबल। डिटर्जेंट एकदम से जमीन में या मिट्टी में नहीं रचते बसते हैं, है ना, बायोडिग्रेड नहीं होते हैं, गलते सड़ते नहीं है, है ना। एंड ये जो सोप्स हैं जनरली जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के फैट से वेजिटेटिव ऑयल्स हैं उनसे बनाए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेपोनिफिकेशन। लेकिन डिटर्जेंट अगर बनाना है तो मेन सोर्स डिटर्जेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास है पेट्रोलियम, और यू कैन से पेट्रोकेमिकल्स। आगे चलें एग्जाम्पल्स की बात देखें हम यहाँ पे, तो हमारे पास सोप्स के एग्जाम्पल हैं सोडियम स्टीरेट, सोडियम ऑलिएट, सोडियम पेल्मिटेट, ये हमने पढ़ा भी अभी जब हमने स्टार्ट किया था। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ डिटर्जेंट क्या है, डीऑक्सीकोलिक एसिड, सोडियम लॉरियल सल्फेट, याद करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट एक वर्ड आता है आपके पास स्कम, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो आपके सोप्स होते हैं ये स्कम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आपका जो डिटर्जेंट होते हैं ये स्कम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये ना, डू नॉट प्रोड्यूस स्कम, डिटर्जेंट प्रोड्यूस स्कम सोप्स। अब ये स्कम क्या होता है भाई, देखिए जब भी हम यूज करते हैं सोप को हार्ड वाटर में तो उस टाइम पे एक सॉलिड चीज डेवलप होती है क्लोथ्स के ऊपर, है ना, उसी सॉलिड चीज को हम स्कम बोलते हैं। ये बनता है क्यों, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी वजह से, लेकिन डिटर्जेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक भी कंप्लीट होता है, हमारा लास्ट यूनिट भी कंप्लीट होता है, और हमारी केमिस्ट्री भी कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारे पास बचते हैं फिजिक्स और लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, और करंट अफेयर्स तो डेली चलते ही रहेंगे, है ना। तो अब कोशिश करूंगी कि फिजिक्स एंड एम लक्ष्मीकांत दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ाऊं, बट प्लीज कमेंट्स में ये चीजें ना करें कि मैम पहले ये पढ़ा दो पहले वो पढ़ा दो। जो मैं आपसे पूछती हूँ उसके कमेंट में मुझे कभी आंसर नहीं मिलता। मैं आपसे पूछती हूँ कि कोई टॉपिक केमिस्ट्री का बचा है तो उसमें कोई आंसर नहीं था। अभी जब कंप्लीट हो जाएगा तो काफी टाइम बाद आएगा कि अच्छा ये वाली चीज रह गई है ना, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। साथ साथ में वीडियोस देखें, साथ साथ में आप कमेंट्स करें, जो पूछा जाता है वो करें। बाकी यस आई नो मैंने कौन सी सीरीज स्टार्ट की है, तो मुझे पता है मैंने हर सीरीज जो शुरू की है एंड भी की है, लेकिन एकदम से सब कुछ नहीं होता। आप सोचें कि हाँ 10 दिनों में हमारा एंशियंट कंप्लीट हो जाए, 20 दिनों में एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट हो जाए, नहीं, टाइम लगता है ना। चलिए आई होप यू अंडरस्टैंड जो मैंने समझाने की कोशिश की है। इसी के साथ हमारा केमिस्ट्री होता है कंप्लीट। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।